चलिए हम बात कर रहे थे कि यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने अभी जस्ट कहा था केपी और केसी का कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन मैं वापस कह रहा हूं यहां पर केपी और केसी का यूनिट डिटरमाइन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन एंड प्रेशर। कंसेंट्रेशन एंड प्रेशर के टर्म्स में इसके यूनिट को डिटरमाइन। अभी सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन लिया, यही मैंने आप लोगों से भी पूछा था। अगर जस्ट सपोज करो तुमको यहां पर केसी निकालना है, बोलो कि सर कैसी है जब केपी निकलेगा, लेकिन पहले तुमको कहा है केसी और केपी दोनों का रिलेशन है तो हम एस्टैब्लिश करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी? NH3 कंसेंट्रेशन का रेस टू द पावर 2 हो जाएगा अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 कंसेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3। यही होगा, यस और नो? यस। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक और चीज पूछना चाहूंगा यहां पर। अगर तुम कंसेंट्रेशन ऑफ कांस्टेंट का यूनिट निकाल रहे हो तो याद रखना, क्योंकि ये मोलैरिटी में आती है तो मोल पर लीटर आएगा। क्या आएगा? मोल पर लीटर। याद रखना मोलैरिटी का टर्म्स या मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और दूसरा, अगर हम केपी का बात करें तो केपी का तुम लोगों ने देखा है एटमॉस्फेरिक टू द पावर n है, तो ये डायरेक्टली 1 अपॉन मतलब जो भी होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का तो एटीएम में ही होने वाला है, तो ये सीधा सीधी इसका हो जाएगा बार इनवर्स या बार टू द पावर 2। जितने भी हमारे पास रहेंगे एटमॉस्फेरिक 1 एटॉमिक बार, 2 एटॉमिक बार, 3 एटॉमिक बार, जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपने इसको देखा, अब आ जाइए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन, अब तुम लोगों को यहां पर मुझे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हम लोगों ने याद करो इसे प्रीवियस में 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 6 माइनस 2 पक्का धोनी का सिक्सर थोड़ी हम कहते मार दिया सिक्स, प्रेडिक्शन नहीं करना है, कंफर्म बताना। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने एक ही वैल्यू 1 लिया था यहां पर, जो भी कंसेंट्रेशन था उसकी वैल्यू हमने 1 लिया और हमने देखा कि प्रोडक्ट में x बन रहे हैं, है ना, तो हमने क्या किया 1 माइनस x और टोटल 1 प्लस x कर दिए, मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों का हमने सम कर दिया। अब पता चला 6 3 1। वो तुम्हें नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स निकालना है तब तुझे माइनस करना है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का गैसियस मोल्स माइनस। अभी हम बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको दो चीज का होना बहुत जरूरी है, एक प्रेशर, कितना प्रेशर लगा रहे हो सर इस रिएक्शन होने में, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर, 1 atm 2 atm 3 atm, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर। सेकंड थिंग, If you are giving, then you must give a number of moles. A number of moles is equal to given mass by molecular mass. So here in the question, it will be given that 50 kilogram of nitrogen and 10 kilogram of hydrogen produces 36 kilogram of ammonia.
सेम क्वेश्चन है ना, एक हमने बनाया भी है, उसमें हम लोगों को अमोनिया का निकालना था कि कितना बनेगा, आंसर 36 पॉइंट समथिंग था, तो इसलिए मैंने कह दिया 56 पॉइंट, 56 तो यहाँ पर आपको दो चीजें दी होगी कि भाई साहब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इतना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको निकाल, जैसे मान लो सपोज कर तेरे पास 200 रुपया दिए, तेरे मम्मी पापा गए तुमको मॉर्निंग में 200 रुपया दिया, बेटा जा स्कूल ट्यूशन उधर उधर अपना करके आया, शाम में तू घर पे आया, घर पे पापा चेयर लगा करके एकदम बैठे हुए, जैसे एंट्री मारा बेटा कितना बचा, पूछेंगे ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, कितना बचा का मतलब क्या हुआ, तेरे पास जो बचा है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन 200 रुपया, तूने दिन में कितना खर्चा किया वो प्रोडक्ट बना, अब तेरे पास जो बच गया है 200 प्लस उतना पैसा तेरे मॉर्निंग में कल उतनी रुपीज होगी तेरे से ना, जस्ट सपोज कर आज तेरे पापा ने 200 रुपया दिया सवेरे सवेरे, तू स्कूल गया स्कूल में 50 रुपया खर्चा किया, फिर ट्यूशन गया ट्यूशन में 150 या 100 रुपया खर्चा किया, तेरा टोटल 150 रुपया खर्चा हुआ, बचा कितना तेरे पास 50 रुपीज बचा, अब यहाँ पर वापस से तेरे को 50 को 200 बनाना, 50 को तुझे वापस से 200 बनाना, 150 ऐड करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है मेरा कि जितना हमारे पास है और हम जो खर्चा कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, हम जो खर्चा कर रहे हैं ना 50 रुपया स्कूल में 100 रुपया ट्यूशन में, तो 50 रुपया एक प्रोडक्ट का और 50 रुपया दूसरा प्रोडक्ट, PCL 5 समझ ले 200 रुपया, PCL 3 समझ ले 50 रुपया, CL 2 समझ ले 100 रुपया, इसको ऐसे समझने की कोशिश कर, लेकिन अभी भी 50 रुपया बचा हुआ है ना, वो 50 को वापस से मेरे को 200 में कन्वर्ट करना, अब 150 ही देगी ना, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, वो 200 दिया हो ना तो 200 मोल्स या 2 मिली मोलैरिटी सॉल्यूशन वो दिया रहेगा, गिवन मास बाय टोटल मास, 200 में से 150 खर्चा किया, 150 अपन 200 3/4 माने तूने पूरे 100% में से 75% खर्चा, यही हुआ ना, 200 रुपया अगर 100 मतलब 200 रुपया 100% है तो 150 75% हुआ ना, 3/4 तूने खर्चा किया, यहाँ पर 3/4 मोल्स जो है तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया है, 1/4 बाकी है, अब 1/4 से वापस तू 4 में आ जा, 4/4 में आ जा, इसमें ऐड कर दे, ये होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में कंसंट्रेशन कंसंट्रॉन में ये लिखोगे, और जब आप इसका केपी की वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए तुमको टोटल प्रेशर दिया होगा, और दूसरी बात नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दिया होगा किस आधार पर, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, तुम लोगों को जानते ही हो गिवन मास पर, अब समझ में आया, अब दूसरा क्वेश्चन को अगर आप लिखना चाहे इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर केपी और केसी के बीच में आप कुछ कह रहे थे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, कोई भी रिएक्शन का केपी और केसी के बीच में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, तो यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, व्हाट इज केपी, केपी क्या है और केसी, यहां पर एक फॉर्मूला जनरेट होगा, केपी इज इक्वल टू, केपी इज इक्वल टू ना केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा, अब मुझे बताओ ये आया कैसे आर टी टू दी पावर, बता सकते हो कोई, एनी ऑफ यू बताओ, मैं बताता हूं मेरे प्यारे बंधुओं, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, यही होता है आइडियल गैस इक्वेशन, मत जाकर समझा मुझे बराबर, अब सुन ले बेटा, P इज इक्वल टू हो गया N बाय V आर टी, हो गया बेटा,
और यही तो हमारा मोल है ना एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है ना, है कि ना है? है। तो ये हो गया आपका प्रेशर इज इक्वल टू मोलैरिटी आर टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और मोलैरिटी का जो टर्म्स है वो कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट के टर्म्स में है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Kp is equal to mRT और Kp is equal to KcRT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Can we write it? Yes, we can write it. So now, बता रहा हूँ तुमको खराब बेला, Kp is equal to, अभी मैंने बताया KcRT. अब केसी जो है बच्चा एक ही टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं, सर यहाँ पर अगर वन बाय वॉल्यूम या सीधे वॉल्यूम भी रखो तो भाई नंबर ऑफ गैसियस मोल का आपने बोला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लफड़ा पड़ता है ना, तो यहाँ पर तुझे इसी आरटी का पावर तुझे कर देना है डेल्टा है। डेल्टा एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्ट, इसी डेल्टा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? Rt टू दी पावर डेल्टा m, और डेल्टा m किस में होगा? यस यस, समझ में आया? बातें करोगे तो कहां से बोलो ये सर, डेल्टा एनजी का एक एग्जांपल दीजिए तो हम लोग को समझ के आएगा। एन टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू एन ओ बराबर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन वन ऑक्सीजन वन एंड एन ओ टू बराबर, इसमें अपने को Kp और Kc के बीच में रिलेशन खत्म करना है, तो स्थापित करना, तो Kp बराबर Kc, Rt को Rt रहने दे, डेल्टा n में क्या करेगा बच्चा? डेल्टा n क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ, तो यहां पर 2 माइनस 1 प्लस 1 is equal to Kc Rt to the power 0, किसी भी चीज का पावर 0 बराबर 1, एटले Kp is equal to 1 into Kc and Kp is equal to Kc, कहने का मतलब जब डेल्टा n 0 होगा तो Kp Kc के बराबर होगा, बराबर समझ में आया? आगे अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या Kp की वैल्यू Kc से बड़ी छोटी जीरो माइनस में हो सकती है? भाई साहब यहाँ पे मैंने आपको एक ही वर्ड लिख के दिया था कि वन मोल ऑफ एन टू एंड वन मोल ऑफ ओ टू गिव्स टू मोल ऑफ एन, तो भाई साहब यहाँ पे तो गैसियस मॉलिक्यूल बराबर था, लेकिन प्रीवियस रिएक्शन में गैसियस मॉलिक्यूल तो बराबर नहीं था, वहां पे एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री था, प्रोडक्ट अपना दो और रिएक्शन तीन, तब तो निगेटिव में जाए, निगेटिव में जाएगा तो कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट और प्रेशर की वैल्यू की रिलेशनशिप बड़ी छोटी होगी तो क्या हो, तब उसके बारे में भी हम लोग लिख लेते, पहले इसको लिख, क्या डाउट था तनिष जी आपका? यही डाउट था लिखना, परमार जी आपकी वैल्यू नहीं करते आपके पर मतलब जानते हो, पर मतलब संस्कृत हिंदी वर्ड पर, तो पर होता है डो होता है ये रॉ है, पर मतलब होता है दूसरा,
दूसरा पर इच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इच्छा विश दूसरे की विश को क्या बोलते हैं एग्जाम पर इच्छा भाई पर इच्छा दूसरे की इच्छा उसी को हम लोग कहते हैं सब कभी चाहते हैं क्या हमारी इच्छा कभी ना क्या दूसरे की इच्छा इसीलिए उसको पर इच्छा कहा जाता है समझ आया इतने दिन से कभी दे रहे थे पता नहीं था आज पता कर लेना हम भी दोनों आदमी तुम मूवी देखने के लिए जाते हो उसको हिंदी में कैसे बोलोगे समीक्षा सब एक जैसा है इच्छा हाई लेवल क्या आगे बढ़ते हम लोग परीक्षा समीक्षा के बाद अब हम लोग स्वेच्छा में जाते हैं परीक्षा समीक्षा स्वेच्छा व्याकरण की और ना व्याकरण कर रहे थे सब में इलेक्ट्रिसिटी प्रतीक्षा देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रतीक्षा मतलब प्रति दोनों दोनों आदमी की इच्छा है इसीलिए प्रति इच्छा इसको समझो ये हिंदी है इसीलिए कुमार विश्वास आज इतना बड़ा हिंदी का खबर क्या आते हैं केमिस्ट्री में हिंदी व्याकरण को ना खिलवाड़ करते हुए क्योंकि कानूनन अपराध है किसी भी मदर टंग को अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आपके ऊपर में केस होना जाएगा इसीलिए किसी का केस नहीं चलना चाहिए आते हम लोग अपने केस के ऊपर हमारा केस ये है कि अगर हमारा केपी और केसी की वैल्यू लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो होगा तो क्या वही होगा जो मंजूर है खिलाओ फर्स्ट केस व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो तो हमने देखा केपी इज इक्वल टू केसी बराबर इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू वन केपी इज इक्वल टू केसी आर की और इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस वन KP is equal to KC upon R. R. या फिर KP into RT is equal to KC. होगा कि नहीं होगा मैंने कहा ना वही होगा खुदा हो गया मंदिर खुदा क्या हिंदुत्व का लीडर गुजरात में आप सुन ले क्या डेल्टा एन बराबर जीरो अच्छा डीका आइए डेल्टा एन का पावर जीरो किसी भी चीज का पावर जीरो बराबर वन तो पूरा आर टी डेल्टा एन का वैल्यू वन हो गया तो केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा जब हमने इसकी वैल्यू वन लिया तो यहाँ पे सीधे वन वन लिख और ना लिख तो भी चलेगा और माइनस वन लिया तो नीचे में आ जाएगा अब समझ गया तो राजस्थान थोड़ा ही दूर है वही चीज है ना बेटा खाली गाना सुनता है तेरा ध्यान किधर है ना बेटा
चलो अब आते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कम हुआ या बहुत ज्यादा ज्यादा हुआ, मतलब अगर हम डेल्टा एन की वैल्यू 2, 3, 4 लाख लिखेंगे या डेल्टा एन की वैल्यू -2, -3, -4, तो इस परिस्थिति में क्या होगा बताइए, क्या होगा? अगर मान लेते हैं डेल्टा एन बहुत बड़ा है या बहुत छोटा, बहुत बड़ा होगा तो केपी केसी से छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर माइनस वाला ज्यादा होगा तो केसी बहुत छोटा। याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, अगर बहुत छोटा है तो केपी और केसी, याद रखना ये होता है बहुत का सूत्र। कहां गए बहुत? यहां। अब आ जाओ केपी और केसी की बात करते हैं लोग। तो मैंने जैसे कहा आपको, अगर बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मतलब क्या हो गया, तो केसी बड़ा होगा या केपी बड़ा होगा, ये याद रखना। जब बहुत बड़ा होगा तब ये होगा, ये इसके लिए और ये इसके लिए होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, यस और नो? दोनों ठीक जगह कनेक्टेड है, मैथ्स का फॉलोइंग में गड़बड़ हो गया, मैथ्स का फॉलोइंग सही है या रॉन्ग है? सही है, सही, सही। कैसे सही दिखाया? सही है, सही। सौदागर सौदा करके बता जल्दी से। मैं तो बोल रही बराबर है, चलिए बहुत अच्छी बात। मेरा मेरा पूरा नहीं मान रहा, मैं टेस्ट मार के आऊंगा। चलिए मेरे प्यारे बंधुओं, एक क्वेश्चन मैं आपको आज भी देता हूं और इससे पहले वाले क्लास में भी दिया था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है। NO plus O2 is equal to NO2. NO प्लस O2 इज इक्वल टू NO2, ये रिएक्शन है, आपको स्वयं इसको बैलेंस करना है। इसमें आप केपी की वैल्यू लिख लीजिए 2.6 × 10⁻¹, और टेन रेस टू कितना लिखा आपने, -1 - -2, और केसी की वैल्यू लिख लीजिए, आपको निकालना है टेम्परेचर लिख लीजिए, व्हाट केसी की वैल्यू व्हाट, और टी की वैल्यू लिख लीजिए 900 केल्विन, निकल जाएगा आपको उसे रिएक्शन पता चल गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए सबसे पहले, मैंने आपको रिएक्शन कहा NO plus O2 is equal to NO2, रिएक्शन बैलेंस वेरी गुड। अब आ जाइए KP is equal to KCRT to the power Δn, Δn is equal to 2 - 3 - -1 बराबर। केपी की वैल्यू कितना दिया है, 2.6 × 10⁻², इज इक्वल टू केसी। आर की वैल्यू कितना रखेंगे प्यारे बंधुओं, 0.081 × 900⁻²। केसी इज इक्वल टू 2.6 × 10⁻², अपॉन 821 बराबर। तो यहां पर 821 00 00 कैंसल, 4 जीरो था, 2 जीरो कैंसल हो गया, तो 0.821 हो जाएगा × 9। इसको मल्टीप्लाई करो बराबर, 0821 को अगर 4 जीरो यहाँ पे डाला, 2 जीरो कैंसल,
दो जीरो बचा, क्या बोल रहा है 8.21 × 9 to the power -1 बराबर 9.92 पक्का? कुछ गड़बड़ लग रहा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर पहले, दो जीरो से दो जीरो कट गया अपना, क्या बच गया नीचे में 100 बच गया 0.8.2 × 9 कितना आया? इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 73.9 को 2.6 से मल्टीप्लाई किया, 2.6 बराबर 192.114 × 10⁻², એટલે 1.92 બરાબર રાઈટ આન્સર. What will be the SI unit? कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन है तो एपी बाई केसी का कुछ नहीं होगा, केसी का होगा केपी का होगा. हाँ जी, चलिए इसके बाद टाइम बता दो, लेट से चालू ऐसा बनाना से बनवानी नहीं कर चिंता मत करें, क्वेश्चन तुम्हें बना दे आप, उसके बाद तुम्हारी बराबर एक क्वेश्चन हो गया बेटा. शर्मा जी, शर्मा जी का थोड़ा बहुत काम है ना, रोहित शर्मा जी का. चलिए लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों के, NH3+H2O क्या बनेगा? NH3+H2O क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बराबर. इसमें तुम लोग खाली एक चीज बताओ, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप ऑफ केपी एंड किस? केपी टू आरटी इक्वल किस, पहले बेटा डेल्टा एन को लिखा, निकाल लिया केपी इनटू आरटी, केपी इनटू आरटी इज इक्वल टू केसी. पक्का? श्योर? थोड़ा अंधविश्वास है, पूरा विश्वास है, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि जोड़े के तो कुछ नहीं आएगा ना. NH3 था और H2O ऐड हुआ, एक H और एक OH, NH4OH हो गया. सही जवाब है आपका मिस्टर हेट फ्रॉम बैंगलोर. चलिए आप लोग जा सकते हैं, जिंदगी के मजे नहीं लीजिए, केमिस्ट्री के मजे लीजिए बेटा, नहीं तो प्रति इच्छा जो है आपकी परीक्षा में बदल जाएगी. अच्छा, इस वीक कौन सा टेस्ट है आप लोग आने वाले वीक में? मीडियम का. जहाँ तक सही जो आप चलिए बच्चों इतना ही आज के लिए, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.